नमस्कार, मैं संजय बघेल और आप देख रहे हैं राष्ट्रमान का विशेष कार्यक्रम चर्चा। और आज हमारे मेहमान है भाजपा के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे जी। आलोक दुबे जी, राष्ट्रमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी। छात्र संघ की राजनीति से शुरुआत हुई और वर्तमान में अभी जिलाध्यक्ष हैं, क्या अनुभव रहा? देखिए, हम तो विचार से जुड़े हुए लोग हैं, जो छात्र जीवन में जिस विचार को कि देश के लिए काम करने का भाव हमारे अंदर हो, उसको लेकर के मैंने छात्र राजनीति में भी काम किया। बगैर महत्वाकांक्षा के मैंने भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि संवैचारिक संगठन था इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया। और लगातार मैं सन 90 से विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों में प्रदेश के नेतृत्व करने का भी अवसर मुझे मिला, लगातार 4-5 साल। और उसके बाद मैं लगातार विद्यार्थी परिषद में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना और इस नाते कुछ अभियानों में उनके मैं शामिल भी रहा हूँ, चाहे लोकसभा बालाघाट के संचालन में मुझे सहसंयोजक के नाते भी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, मैंने उसमें भी बड़े आंदोलन हमने उस समय पर फीस वृद्धि को लेकर के किए। और स्वयं आज जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने भी उसमें जिस प्रकार से जो लोकसभा की समीक्षा है उसमें जो उन्होंने हमें बताया था कि जो 4% की हमारी बढ़ोतरी हुई, वो फीस वृद्धि को लेकर के जो छात्रों के आंदोलन थे जो जगह जगह हम सब ने आयोजित किए थे, यूथ को इकट्ठा किया था, उस वजह से हुई। और उसमें निश्चित रूप से युवाओं की एक बड़ी भूमिका थी। पूरे बालाघाट लोकसभा और सिवनी लोकसभा हमारी जो थी, दोनों में ही बड़े आंदोलन हमारे लोग जेल में भी गए, उन सब को हमने चलाया है। इस प्रकार से लगभग मैं इन भूमिकाओं में रहा हूँ। और उस नाते जो परिषद में मेरे साथी थे जिन्होंने साथ में काम किया, संघर्ष किया, छात्र हित के लिए बात की, देश की बातें जिस प्रकार से उस समय पे थी, चाहे भ्रष्टाचार में अपराधीकरण, राजनीति में अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, इन विषयों को लेकर के जो निश्चित रूप से उस समय पर मुद्दे थे, उनको लेकर के हमने संघर्ष भी किया, जनजागरण के भी काम किए। उसके फलस्वरूप वो सारे लोग कहीं ना कहीं मेरे साथी भी थे। और उस नाते जब मैं विद्यार्थी परिषद से, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में छात्र जीवन में ही हम रह सकते हैं, उस समय हम जिम्मेदारियों में रह सकते हैं, पर चूँकि वो प्रवाहमान संगठन है और फिर कहीं ना कहीं जब इस विचारधारा को लेकर के हम चले तो हम समवैचारिक संगठन भारतीय जनता पार्टी में मैं आया और फिर मुझे नित नई जिम्मेदारियाँ लगातार मुझे मिलती रहीं। मैंने कभी पदों के पीछे मैं कभी नहीं भागा और जिम्मेदारियाँ मुझे हमेशा मिली है। स्नेह भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व का उस समय के जो रहे और आज भी जो नेतृत्व है, उन सबका मुझे जिम्मेदारियों के नाते हमेशा मिला, चाहे जिला पंचायतों की जिम्मेदारियाँ रही हों, नगर पालिकाओं की के चुनावों की जिम्मेदारियाँ रही हों, संगठन की सदस्यता बढ़ाने की जिम्मेदारी रही हो, या ये कह लें कि विधानसभा के चुनावों में जो संक्रमण के या जहाँ थोड़ा खतरा जान पड़ता था कि यहाँ थोड़ा चैलेंजिंग वाले जो काम थे वो निश्चित रूप से मेरे हिस्से में आए हैं। और मैंने कोशिश की है कि उसमें जो आशा मुझसे की गई उन सब पर मैं सफलता प्राप्त करने की हमने कोशिश की। नगर पालिका में कहाँ चूक गए? देखिए, नगर पालिका में जिस प्रकार से अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो आते हैं वो चूंकि जिस प्रकार से संरचना है कि 24 वार्ड हैं, उसमें हम हमेशा ही लगभग 10, 9, 11 इस प्रकार से हम पार्षद हमने जीता है। और सीधी जो प्रणाली है उसमें निश्चित रूप से हम हमेशा जीतते रहे हैं, चाहे 2003 का चुनाव हो, चाहे 2004 का चुनाव हो, या 2009 का चुनाव हो, या 13 का चुनाव हो, ये सब चुनाव हमने जीता है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को मत प्रतिशत इसमें ज़्यादा मिला है हमें नगर परिषदों में। टोटल मत परिषद जो है
वो हमारा ज़्यादा है कांग्रेस, पर चूंकि हम 5 वार्ड जो हैं वो केवल 50 वोट के अंतर से हम हारे, एक वार्ड हम 4 वोट से हारे हैं, एक वार्ड हम 11 वोट से हारे हैं, 21 वोट से हारे हैं, इस प्रकार से ऐसे अगर आप देखेंगे तो 50 वोट के अंतर से हम लगभग 4 से 5 वार्ड हमने लूज़ किया है। वो कहीं ना कहीं आंकड़ा बताता है कि जनता का मत हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सक्रिय है, पर निश्चित रूप से ये जो बाकी चीज़ें जिस प्रकार से हुई हैं वो उसको कांग्रेस के पक्ष में वो गया। बार अगर आप पूरी नज़र दौड़ाएंगे जिले में, तो जिले में चाहे जनपद के अगर आप देखेंगे कि जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहुतायत मात्रा में हमारे ही आए हैं, 5 जनपदों में हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, और कांग्रेस तो जनपद के चुनाव में कहीं भी नहीं दिखी है, कहीं एक भी उनका उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं बना। जिला पंचायत में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। जिला पंचायत में निश्चित रूप से रहा है, क्योंकि कुछ जगह ध्रुवीकरण उन्होंने करने की कोशिश की है जो मरघाट क्षेत्र में देखने में आया है, और कुछ जगह जहां हम नहीं आ पाते थे हमने लाने का प्रयास किया है तो वो हमारे आए हैं। और जिला पंचायत में जिस तरह से उन्होंने अगर मैं कह लूं कि हमारा जिस प्रकार से अध्यक्ष बना है, वो हमने जो मूल एससी वर्ग था जो उसमें अपेक्षित था, वो हमारे पास जो कैंडिडेट था उसको हमने जिला पंचायत अध्यक्ष के श्रेय तो लेकिन दिनेश राय मनमोहन जी को जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, श्रेय देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम सामूहिक रूप से काम करने वाले लोग हैं, और सामूहिक संगठन भाव भी हमारा होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारे कार्यकर्ता है और नेतृत्व जो है वो सामूहिक रूप से ही काम करता है, राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश स्तर से और जिला स्तर में, और नीचे भी हम उसी रूप में हम काम करते हैं। और निश्चित रूप से अगर हमारा नेतृत्व जो होता है उसको श्रेय जाना ही चाहिए, श्रेय जाने का कोई बात ही नहीं। हम तो हमारे नेताओं मतलब को श्रेय देते हैं। की रणनीति वहाँ काम आई और दिनेश जी ने ही सारी रणनीति रची थी। बिल्कुल, रणनीति सब शामिल थे उसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री और हमारा जिले का नेतृत्व और विधायक जी। आलोक जी, नगर पालिका चुनाव में टिकट को लेकर कार्यकर्ता ही काफी दबी जवान में कहते हैं कि टिकट वितरण को लेकर काफी मनमानी बरती गई, क्या? नहीं, देखिए, टिकट वितरण का हमारे यहाँ एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि हमारी एक प्रबंध समिति है, उस प्रबंध समिति में हमारे सभी सम्माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, और जिले का नेतृत्व है, मैं स्वयं हूँ उसमें, हमारे एक प्रभारी होते हैं वो भी उसमें रहते हैं, महामंत्री रहते हैं प्रदेश के, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी टीम, 12 या 13 नेतृत्व करने वाले लोगों की एक टीम है, और उस टीम में ही वो निर्णय सारे होते हैं गुणदोष के आधार पर। उसमें कार्यकर्ता का जो चयन है उसके बहुत सारे मापदंड हैं, बहुत सारे सोर्सेस से हम उनका अप डाउन जो भी है वो हम देखते हैं, और उस आधार पे वो प्रबंध समिति निर्णय लेती है, और इसमें किसी एक का निर्णय नहीं रहता है, वो निर्णय सबका सबकी सहमति से होते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जिले में काफी चर्चा चलती है कि बहुत लड़खड़ाई हुई कानून व्यवस्था है, अपराध की तरफ लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं, शहर में कोई व्यापार ना होने के कारण जुआ सट्टा जैसे अपराध करने के लिए युवा मजबूर है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि 15 महीने के कार्यकाल में जिस हिसाब से जो खुलेआम सट्टा जुआ और बाकी सब चीज़ें चलती थी, और हमने तो ये तक देखा है कि बहुत जगहों पर लोगों ने परिवारों में अगर वो ऑनलाइन और बाकी सब चीज़ें जो जिस प्रकार से खुले रूप में चलती थी, एक विशेष दल के लोगों के द्वारा की जाती थी, वो सारे लोगों का कहीं कहीं तो परिणाम ये भी देखने में आया है कि परिवार में बच्चे भी परेशान होकर के कहीं ना कहीं उसमें फंस करके
और अपना जीवन समाप्त किया है, उदाहरण है सिवनी। और उसके साथ साथ और भी उदाहरण ये है कि लोगों की किसान जो संपन्न किसान है उनके जमीनें बिक गई, बाकी चीजें हुई। तो ये 15 महीने के कार्यकाल में और पहले भी जो लोग के पहले भी देखा गया है, जैसे 18 साल से लगभग भाजपा की सरकार है लेकिन सिवनी में अपराध का ग्राफ कम नहीं हुआ, बढ़ता ही चला गया। नहीं, मुझे लगता है कि अपराधी अपराध जो भी होते हैं उनकी धरपकड़ भी तुरंत होती है। और अगर मैं कहूं कि इस जिले में लगभग 6 से 8 घंटे में अपराधियों के पते, ऐसे ऐसे अपराधों के, जैसे भैरवगंज में एक वो मेरा परिवार ही था, मैं तो अपना ही उदाहरण दूंगा कि लगभग मेरे परिवार में ही वो घटना हुई भैरवगंज में। आपने देखा होगा कि गला जिस प्रकार से वो किया गया, और कोई साक्ष्य उस समय पे तत्काल में कहीं कुछ मौजूद नहीं होने के बाद भी बहुत जल्दी लगभग 10-12 घंटे में वो उसको उन्होंने पकड़ा है। और उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं तो वो चीज़ें भी, अगर कोई अपराध अगर छूट रहे हैं तो वैसे तो इसकी मॉनिटरिंग पूरी कमेटी करती है और निश्चित रूप से उसकी पूरा एक एक ब्यौरा माननीय मुख्यमंत्री जी भी लेते हैं, गृह मंत्री जी भी बहुत सख्त हैं इन मामलों में, अपराध जो भी हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि बुरदई में किसी बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश की थी, उस परिवार का न केवल बुलडोजर जलाने का काम उसको किया गया बल्कि वहाँ और भी जो अतिक्रमण थे उनको हटाने का काम भी उस समय पे हमारी ही जिला की प्रशासन ने किया था। आप पर परमानंद जायसवाल जी हमेशा आरोप लगाते थे कि आप जमीन के कारोबारों में काफी वो करते हैं, उसकी शिकायत भी हुई थी अवैध कॉलोनाइजर को लेकर, उसके बाद वो भाजपा में आए, तो कैसे देखते हैं आप? आरोप लगता है कि उन्हें मौन कराने के लिए उन्हें भाजपा में लाया गया था। देखिए, मैं व्यापार करना कोई गलत नहीं है, मैं आज से नहीं, मेरा व्यापार लगभग 6-7-8 से मैं इस व्यापार में हूँ, उसके पहले भी मेरे व्यापार थे और अन्य व्यापार भी मैंने किए हैं, पर लगभग मैं 8-9 से मैं रजिस्टर्ड कॉलोनीजर हूँ। और जिस कॉलोनी की वो बात कर रहे थे, वो कॉलोनी का जिस पे उन्हें आपत्ति थी वो रजिस्टर्ड कॉलोनी है, उसको उसमें विधिवत हमने टाउन प्लानिंग से पास करके और सारी विधिवत अनुमतियाँ उसमें हैं, रेरा रजिस्टर्ड हैं वो, तो ये सारी चीज़ें मैं हमारे जितने भी इस प्रकार से हैं, मेरी सारी जो भी व्यापार हैं वो रजिस्टर्ड हैं और बाकायदा उनके टैक्स और रेरा से लेकर के हम सारी चीज़ों को उसको फुलफिल करके ही हम काम करते हैं। और उनको कन्फ्यूज़न रहा होगा, पर उस दौरान जब वो निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा थी कि हम उनको वहाँ शहीद उनका जो वार्ड है वहाँ से वो हमारे तरफ से प्रत्याशी हों, मैंने बताया उनको कि हमारी निर्णय व्यक्तिगत नहीं रहते, किसी एक व्यक्ति के हाथ में भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं, वो प्रबंध समिति करती, और उसके कारण से वो बात भी निश्चित रूप से उनको समझ में आई, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समझा भी। और भारतीय जनता पार्टी में वो अकेले नहीं, उनके बड़े भाई भी हैं, उनको हमने जिला पंचायत लड़ाया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी से वो दो दो बार जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, पहले भी जनपद जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, इस बार भी उन्होंने फाइट किया। हमारे अभी एक प्रकोष्ठ के वो राम गोपाल जायसवाल जी हमारे अध्यक्ष भी हैं, तो निश्चित रूप से परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, बाकी लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें जो कन्फ्यूज़न था उन्होंने दूर किया और निश्चित रूप से आज वो हमारे साथ हैं। पूजा बनकर जी के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि सारे अवैध कॉलोनाइजर पर FIR होगी और अचानक तबादला हुआ, उनके तबादले के पीछे आपका हाथ बताया जाता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं बहुत प्रशासनिक और इन सब चीज़ों में ये सारे काम जो हैं हमारे जनप्रतिनिधि ही पे ही होते हैं, और हमारी हमने बताया ना कि जो हमारी प्रबंध समिति है, प्रबंध समिति में जो जितने मेंबर हैं उनके आधार पर ही हमारे निर्णय सामूहिक होते हैं। मैंने पहले ही वाक्य में कहा कि हमारे निर्णय सामूहिक होते हैं, कोई एक भी निर्णय जो है चाहे प्रदेश में हो चाहे हमारे जिले से जो जाते हैं वे
प्रबंध समिति के बगैर नहीं जाते, तो इसलिए प्रबंध समिति में जो भी विषय आता है वो सबका सामूहिक विषय होता है। उसमें आपको ध्यान होगा कि हो सकता है कि पार्षदों का एक बड़ा दल उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के और भी अन्य कोई बातें ऐसी होंगी जिनको लेकर के कहीं रोष रहा होगा, तो वो प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसमें किस तरह से हुआ क्या हुआ वो मेरे अंदाज से इस प्रकार से कोई बात ऐसी है नहीं। आरोप है कि आपके द्वारा 4 अधिकारियों की शिकायत की गई थी, जिनमें से 3 के ट्रांसफर हो चुके हैं और 1 अभी वर्तमान निष्ठे पर। देखिए यहाँ यही बात कंफ्यूजन होती है कि हमने कोई ट्रांसफर देखा हमारे यहाँ, मैंने फिर बता रहा हूँ मैं आपको पुनः कि हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो प्रबंध समिति ही करती है। प्रबंध समिति में हमारे जितने 12 सदस्य 13 सदस्य स्थानीय हैं और 2-3 सदस्य हमारे बाहर के, जिसमें प्रभारी मंत्री भी शामिल होते हैं और हमारे अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं, विधायक भी हैं उसमें, सांसद भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व विधायक जो प्रबंध समिति में हैं वो हमारी पूर्व सांसद हैं, कुछ पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और ऐसे लोग जो हैं वो निश्चित रूप से उसमें हैं। तो इन लोगों के द्वारा ही ये सारे निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं और वो भी उनके कार्यकाल बहुत कम था, अचानक उनका नाम भी है करके उनके नाम की भी शिकायत ऊपर की गई थी और वो शिकायत का ही असर देखने को मिला है कि उनका ट्रांसफर। देखिए शिकायत मैं ये नहीं मानता, सब अधिकारी अपना अपना काम करते हैं अपने अपने स्तर से, निश्चित रूप से वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि प्रबंध समिति के अपने कोई निर्णय नहीं होते, वो तो आम लोगों की जो राय आती है, हम लोगों की कोई विषय जो आते हैं उनको लेकर के जो जनता के हित में होना चाहिए, जो बाकी लोगों के हित में होना चाहिए, वो सुझाव निश्चित रूप से हम प्रबंध समिति के माध्यम से रखते हैं, हमारे सदस्य सभी मिलकर के हम लोग रखते हैं और उसके आधार पर निर्णय लेना या नहीं लेना वो सरकार की अपनी मंशा है, वो तो उनको ठीक लगता है तो वो करते हैं, नहीं लगता है तो उसमें कोई हमारा वो नहीं। सिवनी विधायक दिनेश राय जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कार्यकाल निश्चित रूप से उपलब्धियों भरा है। पहली उपलब्धि मेडिकल कॉलेज, हमारा मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार है और पेच नहर जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया, लगातार वो किसानों के बीच में गए, कुछ कमी अधिकारियों के द्वारा जो की गई उसको उन्होंने विधानसभा के पटल पर भी रखा, प्रमुखता के साथ रखा और हमेशा रखते रहे और उसमें बहुत सारे सुधार हुए भी हैं। और आज आप देखिए कि जिस प्रकार से ये पेच नहर सिवनी जिले सिवनी विधानसभा से होकर के गुजरी है, तो सिवनी विधानसभा की उसकी स्थिति, किसानों की स्थिति भी आप भाप सकते हैं कि 2-3 सालों में किसानों की स्थिति, किसान कितना संपन्न हुआ, कितना गुना उसका उत्पादन बढ़ा है, सिंचाई की क्षमता इस विधानसभा में मैं कह लूँ कि पूरे जिले में आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश में ये 3रे या 4थे नंबर का जिला होगा जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई का की हमारी कैपेसिटी इसमें है। 1990 के बाद से सिवनी की जनता भाजपा को पूरा मौका देते आ रही है, लेकिन सिवनी को कोई बड़ा व्यापार उद्योग और बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई समाधान नहीं मिल पाया है। देखिए जहाँ तक बात बड़े रोजगार की है तो बड़े रोजगार से बहुत संभावनाएं हमारे यहाँ के लोगों को मिलती हैं तो ऐसा मैं नहीं मानता। और उसमें जैसे डालडा फैक्ट्री हमारे यहाँ बनी, क्रेसेंट ऑलाइज बनी, इनसे लोगों को रोजगार तो मिला पर उन व्यापारियों ने कालांतर में ये किया कि जो हमारे लोग थे, मैं घर परिवार के लोगों को देखता हूँ तो मैंने ये पाया कि
उन्होंने लगातार अपना 10 साल 15 साल उन फैक्ट्रियों में दिया, वहाँ काम किया, और उसके बाद जब वो फैक्ट्री मालिकों ने, चूंकि वो बाहर के थे, उन लोगों ने बंद कर दिया, और बंद करने के कारण थोड़े अलग थे वो, कोई और अन्य कारण नहीं थे, तो बंद होने के कारण से हमारे यहाँ का जो जो उस समय का युवा था, जो शायद बहुत अच्छा कुछ कर जाता, वो एकदम से बेरोजगार हो गया, और वो फिर कुछ करने की स्थिति में था नहीं। 40-40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद उसके पास कुछ चारा नहीं था। मुझे ये लगता है कि जो सरकार की जो अभी नीतियां हैं, जिसमें हमारा अगर उद्योग विभाग की बात करें, जिस प्रकार से नई नई नीतियां आ रही हैं, जिस प्रकार से रोजगार के आंकड़े हैं, आप सिवनी जिले के वो आंकड़े उठा करके देखेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से क्लस्टर बनाने का भी प्रयास किया है कि एक ही उद्योग से संबंधित जो क्लस्टर हैं वो हमारे इस प्रकार से स्थापित हों, ये सब काम किया है। एक बड़े आंकड़े हमारे पास उद्योग से संबंधित हैं। जो छोटे रोजगार की हम बात करें तो स्वरोजगार के माध्यम से, जो स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को के जो छोटे छोटे उद्योग गांवों में स्थापित हुए हैं, आप देखेंगे तो, मैं तो पूरे जिले में ही घूमता हूं, तो आप घनसौर, मेहता, कहानी, इन क्षेत्रों में, या चाहे केवलादी क्षेत्र में, चाहे सिवनी के हमारे अंचल हैं, चाहे सिलाई सेंटरों की बात करें, इस मात्रा में लगभग आप देखेंगे तो स्वसहायता समूह के माध्यम से करोड़ों रुपए मतलब हमारे महिलाओं को मिले, और उन्होंने अच्छे काम, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, दाल मशीनें, सिलाई सेंटर, और कोदो कुटकी से संबंधित कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, फिर पल्प, जो हमारे यहाँ सीताफल जो हमारा एक उत्पाद है, उसके पल्प बनाने का काम हमारा जो भूत बंधानी का जो क्षेत्र है वहाँ पे स्वसहायता समूह की बहनें वो काम कर रही हैं, और लगभग उनको, मैं जब जिस दिन उद्घाटन करने गया उनका, वो चूंकि महिलाओं के लिए पहली डील थी वो, तो वो पहली डील उनकी 3 करोड़ की थी, जैसे जबलपुर की आइसक्रीम कंपनी ने उनको साइन की थी और वो उनको मिला। तो ये आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे उद्योग करने वाले, छोटा छोटा अपना हार्टिकल्चर और या अन्य चीज़ों से जुड़े रहने वाले लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो छोटे उद्योग निश्चित रूप से हमारे लिए स्ट्रीट वेंडर्स के माध्यम से, जो सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना काल में वो शुरू की, और कोरोना काल में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका, चाइना, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ गई थी, डगमगा गई थी, ऐसे समय में स्ट्रीट वेंडर्स योजना हमारे मोदी जी ने दी, और उसके माध्यम से आप देखिए कि छोटा छोटा उद्योग करने वाले, मोची है हमारा, अन्य छोटे इसी प्रकार से काम करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी सहायता निश्चित रूप से उस रूप में मिली। सिवनी में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा हमेशा होता है, जैसे कि नगर पालिका में नवीन जलवर्धन योजना में भ्रष्टाचार, मॉडल रोड पर भ्रष्टाचार, ऐसे कई घोटाले हमेशा सुर्खियों पर रहते हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से कोई घोटाले हुए हैं तो उनकी बात भी आई है, उनकी जांच भी हुई है, और जांच में जो दोषी थे उनको सजा भी मिली, और जहां तक बात भ्रष्टाचार की, ऐसा कोई नाम आज तक सामने नहीं आया जिसमें जांच हुई हो और क्या कहते हैं सजा के रूप में। देखिए, मैं एक आंकड़े आपके सामने आंकड़े रखता हूँ जिले के कुछ, तो जिसमें अब आप देखिए कि हमारे लगभग 1,30,000 के आसपास प्रधानमंत्री आवास, शहरी और ग्रामीण दोनों मिलाकर, है ना, इतने परिवारों को लाभ मिला है। कोई एक व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि उसके खाते में, चाहे ग्रामीण है तो उनको 1.5 लाख मिल रहा है और शहरी है तो 2.5 लाख मिल रहा है, तो वो सीधा DBT के माध्यम से सीधे उनके खातों में पैसा पहुंच रहा है। तो ये सरकार की पारदर्शिता है, सुशासन के ये उदाहरण है। ये अकेला नहीं, ये एक योजना बताई हमने, किसान सम्मान निधि आप देख लीजिए, अन्य देख लीजिए, तो वो योजना है जिसमें सीधे व्यक्ति, मतलब जो लाभार्थी है, सीधे उनके खाते का पैसा जा रहा है, जैसे मॉडल रोड और नवीन जलवर्धन योजना जो सुर्खियों पर रही हमेशा भ्रष्टाचार। हाँ 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 हाँ, इन पर क्या कहेंगे? नहीं, इन पर भी देखिए, मैंने कहा कि योजना चाहे सीधे लाभार्थी तक पहुंचने वाली हो, पुराने समय में
जो एक दल जो विपक्षी दल कहलाता है, कांग्रेस के लीडर कहते थे, प्रधानमंत्री उनके कहते थे कि हम, राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपये देते हैं और नीचे केवल 15 रुपये पहुंच पाता है। ये आम लोगों की गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के उन्होंने कहा था। तो मेरा ये कहना है कि आज ऐसी कोई भी गरीब कल्याण की योजना में 1 रुपये का आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से 46 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुलवाए और उसके कारण से जो भी ट्रांसफर होते हैं, चाहे किसान संबंधी का पैसा हो, आयुष्मान का पैसा हो, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं का पैसा हो, संबल का पैसा हो, ये सारा जो पैसा आता है वो सीधे हितग्राही के खाते में आता है। इसलिए इस दृष्टि से तो निश्चित रूप से, हाँ ये बात अलग हो सकती है जो योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, नगर पालिका से संबंधित जिन योजनाओं का और उसकी बात कर रहे हैं, उनकी भी जांचें समय समय पर हुई हैं और मुझे लगता है कि दोषियों को मेरी जानकारी में बहुत है नहीं, पर मुझे लगता है कि मोटा मोटा जितना मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं पनिशमेंट उन सबको हुए। शिवनी, जब सीएम साहब का आगमन हुआ तो रातों रात सड़कें बनी, जनता कह रही थी कि राजा को सिर्फ सुख सुविधा देने के लिए सारे कारोबार किए जा रहे हैं, उनके जाने के बाद रोडों की हाल फिर बदहाली में बदल चुकी, क्या कहें? नहीं, मुझे लगता है कि केवल जो दलसागर के सामने जो रोड था, उस चूंकि वो हमारा थोड़ा डाइवर्सन है, वहाँ थोड़ा ऊंचा नीचा भी है, तो पहले उसमें सीएम साहब का दौरा तो 1-2 दिन पहले बना है, क्योंकि वो कंफर्म हो नहीं पा रहा था, जैसे ही उनका समय मिला तो उसी के दौरान फिर वो हमारा कंफर्म हुआ है। पर उसके पहले भी उसमें जो पटरी हमारी थी उसको ठीक करने की बात हमने की थी, तो चूंकि गर्मी का समय था तो उसमें थोड़ी डस्टिंग जिस प्रकार से होनी थी वो नहीं हो पाई थी। फिर बात ये आई कि उसमें अभी चलने में थोड़ा तकलीफ होती है हम लोगों को, तो उसको क्यों ना ठीक कर दिया जाए, तो ये प्रस्ताव पहले से था। सीएम साहब का जो जनदर्शन का कार्यक्रम था वो निश्चित रूप से आपने जिस ढंग से देखा कि जिस प्रकार से लाडली बहना उनके ऊपर फूल बरसा रही थी, आम लोगों ने जिस प्रकार से घर से निकल करके उन माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया, जिस प्रकार से उन्होंने जो एक हमारी गरीब महिला थी जिसके विषय में जो बात आई थी उसको सहजता से, जिस प्रकार से हमने केवल हल्का एक चूंकि वो देखा उन्होंने, तो जिस प्रकार से वो नीचे आए तो उन्होंने जिस प्रकार से अपने राजा होने का परिचय दिया, लगभग उसको आवास के लिए जो पैसा दिया जो दिया जाना चाहिए था, और फिर अभी हमने पहले कहते हैं उस बूढ़ी माँ का घर ढांक दिया गया था कांग्रेस के विरोध के बाद, उसे खोला गया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ढाकने का किसने ढाका, क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर वो कहीं ना कहीं बात इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने जब बताया कि ये परिवार की महिला है, इनको आवास का लाभ नहीं मिला, पहले भी बात आई थी ये, तो उनका अभी भी हमने प्रयास किया है कि उनको आवास का लाभ मिल जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुनिश्चित किया है उसको फॉलो अप लेना हमारा निश्चित रूप से काम है। हमने ये तय किया है माननीय कलेक्टर महोदय और हम सब लोगों ने बैठ करके उसका पट्टा भी उनको स्वीकृत होने जा रहा है, और राशि तो मकान निर्माण के लिए हमने दी है, उसके साथ साथ और भी जो जहां सहजता से जिस प्रकार से उनका भाव है शिवराज जी ने, निश्चित रूप से चाहे प्रधानमंत्री आवास की हमारी वो वृद्ध दंपत्ति जो हमारे ठिमरी मोहल्ले में रहते हैं उन तक गए, बाकी अन्य लोगों से जिस प्रकार से वो मिले, चाहे हमारे माछी मजुआ समाज के लोगों के लिए जो सामुदायिक भवन की उनकी मांग थी, उनके पास जमीन नहीं थी, उसको सहजता से उन्हें स्वीकार किया और उसके लिए उन्होंने अपनी बात रखी और निर्देश भी दिए, वो निश्चित रूप से उनकी सहजता को दर्शाता है। और जो रोड की आप बात कर रहे हैं, वो केवल आवागमन की दृष्टि से पहले से ही दिए हुए निर्देश थे और वो बहुत पहले भी होना चाहिए था, पर वो तत्काल में ही हुआ है, वो उसको उसकी रिपेयरिंग का काम किया गया है, तो रिपेयरिंग और ये निश्चित रूप से चलती रहती है। ये तो खबर आ रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी दावेदारी तय है।
मैं तो चारों ही विधानसभा में मेरा दावा है और हम जीतेंगे। और निश्चित रूप से हम तो, मैंने कहा कि मैंने हमेशा जिम्मेदारियां ली हैं और जिम्मेदारी लेने टिकट की मांग को लेकर है मेरा प्रश्न। नहीं, मैंने कभी टिकट की मांग करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैंने कभी भी कोई मांग नहीं की पार्टी से, पर ये जरूर है कि कोई जिम्मेदारी अगर मिलती है तो मैं उसको पूरी तरह से पार्टी के वफादार कार्यकर्ता के नाते मैं निभाने का प्रयास करता हूँ। और जो जिम्मेदारी आज मुझे मिली है जिला अध्यक्ष के नाते, वो बड़ी जिम्मेदारी मैं महसूस करता हूँ। सब कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए, इतने बड़े परिवार को लेकर के साथ चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मैंने कहा कि वो एक सामूहिक भाव के साथ, पार्टी जो तय करती है हम पूरी पार्टी ताकत के साथ उसमें खड़ी होती है। और निश्चित रूप से यही हमारे अगर कह लें कि हमारा जो स्वभाव है, जो मूल स्वभाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वही है कि वो जो नेतृत्व कहता है, जो संगठन कहा, उसके साथ निश्चित रूप से हम अंतर कला को लेकर भाजपा में कई बार चर्चा चलती है। और ये अंतर कला में अभी कुछ दिनों तक एक खबर चली थी कि कुछ लोगों ने बैठक किए हैं दिनेश राय मुंजमन जी के खिलाफ में कि अगर इस बार टिकट उन्हें मिली तो हम मोर्चा खोलेंगे। कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में हम विचार को लेकर के काम करते हैं, व्यक्ति के प्रति हमारा कोई भाव रहता नहीं है। और वो दिखता भी है आपको, हमारा कोई भी स्वरूप जो है वो ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि पार्टी कहीं विरोध में जा रही है। हाँ, व्यक्ति अगर एक आध दो लोग विरोध में अगर जाते भी हैं तो उसका कोई अर्थ रहता नहीं है, कोई साथ में खड़ा होता नहीं, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता विचार के साथ काम करता है। और इसलिए बाहर खबरें क्या चलती हैं, क्योंकि राजनीति के विषय हैं और चुनाव चूंकि आ चुका है, इसलिए अलग अलग तरह से लोग बात प्रस्तुत करते हैं। पर हम जो भी निर्णय होते हैं, हमारा अभी विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, एक एक निर्णय हमारे सामूहिकता के साथ होते हैं। हमारी विधानसभा की अलग टीमें बनी हुई हैं, वहाँ जो निर्णय वहाँ होना वो वहाँ होते हैं। जो जिले के निर्णय हैं वो हमारी जिले की प्रबंध समिति बनी है, वो वहाँ वो निर्णय वहाँ होते हैं। तो ऐसा सारा सिस्टम हमारा बना हुआ है, उसी अनुसार हम काम करते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जिले का विकास नहीं हुआ लेकिन कई भाजपा नेताओं का विकास हुआ है, इस आरोप को क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को ये कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये बताए कि 15 महीने की क्या उपलब्धियां हैं उनकी, तो उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं है। उन्होंने आते ही, अगर मैं प्रदेश की बात करूँ, तो उन गरीबों के आवास उन्होंने खा गए जिनको प्रधानमंत्री जी ने सहजता से देने की बात की। संबल योजना में जिनको, हमारे गरीबों को जिस प्रकार से जन्म से लेकर के मृत्यु तक की उसमें सारी योजनाएं निहित हैं, उसको लेकर के अगर मैं कहूँ कि वो योजना उन्होंने बंद कर दी थी, या कह लें कि हमारी जितनी योजनाएं आयुष्मान कार्ड से लेकर के जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उन पे जो हमारी ट्रेनें जाती हैं, बसें जाती हैं, उसको तीर्थ दर्शन योजना जो होती है हमारी, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था। ऐसी बहुत सारी योजना, हमारा मेडिकल बंद हो गया था, हमारा अगर हम कह लें कि 4 लेन, उसको लेकर के भी कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से उस पर रोक लगाई, वो सब पूरे सिवनी जिले में अवगत है। पर काम अगर हुए हैं तो केवल केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होंगे। मेडिकल भी हमारा उस समय पे शुरू हुआ, अगर मैं कह लूँ 4 लेन की, तो वो भी हमारी अभी शुरू हुई। हमारे केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए, बरघाट में हमारा स्वीकृत हुआ है। और उसके साथ साथ आप रेलवे का जो आप कह लें कि हमारी जो गति शक्ति की योजना है, उसके तहत हमारा जिस प्रकार से आज रेलवे आज़ादी के 75 साल बाद हम बड़ी रेल लाइन में हम चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन। रैक पॉइंट आया है, हमारी खाद और अन्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से हमारी आवश्यकताएं थी, हमारा कोटा कहीं ना कहीं कट जाता था, छिंदवाड़ा रैक में आ रही है, दूसरी जगह जबलपुर में रैक में आ रही, तो हमारा कोटा कहीं ना कहीं कम हो जाता था। आज हमारा जो कोटा वहाँ से भेजा जाता है वो पूरा पूरा कोटा हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये सुविधाएँ लगातार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे
सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के हम सब जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, इसलिए वही प्रयास हमारे हैं, हम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि आलोक जी ने बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। आलोक जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया राष्ट्रमान को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को, सभी दर्शकों का धन्यवाद। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।